मुझे अभी कारदुंगला की उस चोटी पे पहुंचने का खुशी भी हो रही थी और उसके साथ वहां पे लेट पहुंचने का डर भी सता रहा था। हम लोग शायद अब खारदुंगला पहुंच गए। हे भगवान, फाइनली पहुंच गए हम लोग खारदुंगला। अभी बाइक से उतरने का समय। व्लॉग ऑन विद राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। वहाँ पे जाके पहुँचा, ऑलरेडी लेट हो चुकी थी वहाँ पे। तो एक बार इंडियन फ्लैग देखा वहाँ पे तो बहुत खुशी हुई देख के। बाइक से उतरते ही मुझे वहां पे हवा में लहराता मेरा भारत का राष्ट्रध्वज दिखा। हवा में लहराता मेरे भारत के राष्ट्रध्वज को देख के सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर भारतीय को गर्व महसूस होने में कोई शक नहीं था। और मैं मेरे राष्ट्रध्वज को ऐसे ही देखता ही रह गया। और उतने में मेरी नजर वहां पे एक बोर्ड पे पड़ा और उसमें लिखा था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टीम विजायक वेलकम्स यू टू दी वर्ल्ड्स टॉप माइटी खारदुंगला, एल्टीट्यूड 17,982 फीट था। और उसे पढ़ते ही एक बार मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे अभी भी
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अभी 18,000 फीट ऊपर हूं। दोस्तों, अब मैं खुशी से अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। सच में मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि मैं यहां पे आ चुका हूं। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहिए, मुझे अभी अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि दोस्तों, हाइट से हमेशा डरने वाला मैं यहां तक पहुंच पाना ही मेरे लिए एक बड़ी साधना से कम नहीं था। और मैं वहाँ पे बाइक रखा, बैग भी वहीं पे रखा, और क्या है ना, दो जैकेट पहना था ना, खुशी के मारे ना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं मुझे मालूम नहीं हो रहा था। और मैं एक जैकेट को निकाल के उधर ही रखा, ओके, वो छोटा सा पतला सा जैकेट, ये जैकेट है ना, ये जैकेट पहन के ना आगे निकला। खारदुंगला आके अपने डिफेंस वालों को खारदुंगला कहाँ है करके पूछ रहा था। दोस्तों, मैं अभी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बसे कर्नाटक राज्य से यहां तक इतनी दूर की सफर तय करके यहां तक आ गया। लेकिन मुझे यह विश्वास करना अभी भी मुझे नामुमकिन सा लग रहा था। समय रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऊपर बादल में बारिश का साया मंडराने लगा था। मुझे यहां पे आने का खुशी इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं अनजाने में ऐसे बर्फीले मौसम में भी अपना पहना हुआ विंटर जैकेट निकाल के रख दिया। समय ऑलरेडी शाम 5:30 बज चुके थे, और यहाँ पे आने वाले टूरिस्टों में से बहुत ही कम लोग यहाँ पे बचे थे, और वो लोग भी यहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। और ये सब देख के मुझे मन में थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। वो सब छोड़िए दोस्तों, अपना भारत का राष्ट्रध्वज देखने के बाद हम भारतीय लोग उसको एक सलामी या सैल्यूट दिए बिना हम लोग रह नहीं पाते, है ना दोस्तों। तो चलिए हमारे भारत के तिरंगे को एक सैल्यूट देके उसको एक गौरव प्रदान करते हैं। भारत के सबसे ऊंची चोटियों में से एक खारदुंगला, वो भी 18,000 फीट ऊपर खड़े होके अपने भारत के राष्ट्रध्वज को सलामी देके गौरव प्रदान करने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलती है, और उन्हीं कम अदृष्टशालियों में से मैं भी हूं, ऐसा मुझे अभी लगने लगा था। दोस्तों,
और ये मेरा जीवन का सबसे अद्भुत क्षणों में से एक है। इतना खुशी से पागल हो रहा था वहाँ पे, तो मुझे लग रहा था मतलब इधर ही घर बना के ना, इधर ही मतलब घर बना के इधर ही रह जाऊँ मैं, इधर ही घर बना के, एक छोटा सा घर बना के ना इधर ही रह जाऊँ, ऐसा लग रहा था मुझे। लद्दाख के कार्तुंगला आने के लिए मैंने सपना देखा था, लेकिन यहां पे अकेला आऊंगा ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं ना, कभी कभी सपने सच हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी मेरा वो सपना सच होने का एहसास मुझे हो रही थी। अब मैं अपना बाइक और मेरा वजन भरा बैग को उधरी छोड़ के इन खारतुंगला की सुंदर वादियों को आपको दिखाने के लिए मैं पैदल चल के इधर से आगे गया। हे भगवान, ये क्या नजारा है। मुझे अभी क्या करना समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको यहाँ का सारा नजारा दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धूप रहना चाहिए था तो शूट करने में मजा आता। दोस्तों मैं अभी अपनी ही एक सुंदर दुनिया में झूम रहा था। मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं भी किसी और ही दुनिया में आ चुका हूं। मेरा दिमाग अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इन सुंदर वादियों को देख के मेरा मन पिघल चुका था। बोलते हैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन मैं रुकूंगा यहाँ पे, इधर ही घर बना के रहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। बाद में मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, मेरा बेटा कहाँ है करके ढूंढते। कहाँ गया वो पत्थर? आगे आ गया क्या? मैं इधर ही था ना। वैसे आते वक्त रास्ते में एक सुंदर
को देखा था और उसमें कुछ लिखा था, और अभी मैं उसी पत्र को ढूंढ रहा था। यहाँ पे आने के बाद उसका शूट कैसे छोड़ सकते हैं, जरूर करेंगे उसका शूट। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि शूट करने के लिए अगर थोड़ा सा धूप होता तो अच्छा रहता, शायद भगवान ने मेरी सुन ली। देखिए, अचानक बादलों में से धूप भी मेरे लिए निकल के आ गया। कार्दुंगला रोड है ना, 1976 में बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो 1988 में मोटर व्हीकल जाने के लिए परमिशन दिया गया, ठीक है। ओह हे भगवान, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, फाइनली पहुंच चुका मैं। अभी मुझे क्लाइमेट की वजह से थोड़ा सा जुकाम जैसा हुआ है, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मुझे अभी। ये क्या है, हे भगवान, क्या है ये, हे भगवान, हे भगवान, मेरी लाइफ में पहली बार ये स्नो सभी देख रहा हूँ यार। कितना सुंदर है यार ये जगह। तो इधर ही घर बना के, एक छोटा सा घर बना के ना इधर ही रह जाओ, ऐसा भी ऐसा लग रहा था मुझे। तो मतलब झूम रहा था मैं खुशी के मारे, वहाँ पे दौड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था वहाँ पे। मतलब आप समझ सकते हो मेरी खुशी, आप समझ सकते हो। अभी हैंड ग्लोव्स की जरूरत नहीं है, मैं हैंड ग्लोव्स अभी निकाल के स्नो अपने हाथ में ले लेता हूँ। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ यार। कितना ठंड है यार। मैं इसको फेंकू गोला बना के ऊपर? दोस्तों वो देखिए क्या नजारा है यार, ए भगवान।
eco friendly. Here we invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we're here chillin', chillin' in paradise. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. दोस्तों वो देखिए क्या नजारा है यार, ए भगवान। सारे विश्व में हमारा भारत सबसे सुंदर और सबसे प्यारा है ना दोस्तों, क्या कहते हो? कार्दुंगला की इस विस्मयकारी दुनिया को मेरा एक सलाम। उसी वक्त जो टूरिस्ट आए थे वहाँ पे, स्कूटी पे भी आए थे वहाँ पे टूरिस्ट, और मैं अकेला खड़ा था ना, उन्होंने पूछा मुझे लाइक क्या कर रहे हो आप वहाँ पे? नहीं मतलब ऐसे शूट कर रहा हूँ मैं, करके बोला उनको। ओके, ऑल द बेस्ट किया उन्होंने। और मैं कहाँ से हूँ सब कुछ पूछा, मैंने बोला मैं कर्नाटका से हूँ एक्चुअली। Yeah. Just watching this stuff.
Which place you are from? Which place? Noida. You? You are going back to? Back to Noida. Noida? Now Noida. This way? Yeah. Came through this. Came through this. Okay, I am going to Luka from this. Okay. My bike is there. I have to reach there and I will just come back. Achha. Okay? Have okay. Nice bro. You are from? Yeah, I am from Karnataka. Okay. Okay. Bharat Mata ki. Yeah. Ek bar aur ek bar. Bharat Mata ki. Yeah. Yeah. Cool bro. Happy journey. देखिए दोस्तों, वो लोग यहाँ पे मोपेड पे आए थे। आ सकते हैं दोस्तों, आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, अभी अभी मैं जिनसे बात कर रहा था, वो लोग नोएडा से बिलोंग करते थे। वो लोग ले सिटी से खारदुंगला आए थे और वो भी मोपेड पे, छोटे से छोटा व्हीकल से भी यहाँ पे आ सकते हैं। बड़ी बाइक की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो जरूर रहता है और उसके साथ धैर्य और हिम्मत की भी जरूरत रहती है। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास धैर्य और हिम्मत है तो कुछ भी मुमकिन है। बहुत ही सुंदर है यार ये जगह तो। मुझे यहाँ का सारा लोकेशन शूट करना था, लेकिन नहीं हो पाएगा शायद। यहाँ के लोकलाइट बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे AMS का प्रॉब्लम भी हो सकता है। AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस, सांस लेने में तकलीफ होना। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन देयर बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन देयर विल पावर, देयर स्ट्रेंथ। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है यहाँ पे। आप घबराना मत कभी भी, घबराते घबराते यहाँ पे आओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ लाइफ में, इसलिए मैं बोलता जीवन में, जीवन कभी भी डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जर्नी मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और रोमांचकारी जर्नियों में से एक है। इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अभी मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से थोड़ी सी नम हो गई थी।
हे भगवान जरा सा इधर घुमा था यार, बाप रे बाप, हे भगवान मैं गिरते गिरते बच गया यार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।